الله اكبر الله اكبر <تصفيق> <تصفيق> اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام أكبر لا إله إلا الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بكر الشديد रजदान हो कि सीरीज के मुख्तफ पहलुओं का जिक्र हो रहा था इस जुम्मन में इनकी ख़िमत खलक और मोहताजों को खाना खिलाने वगैरह के बारे में मिलता है कि इस्लाम करने से कबूल भी ग्रैश के बेहतरीन लोगों में शुमार होते थे और लोगों को जो भी मुश्किल पेश आती थी वो उनमें उनसे मदद लिया करते थे लोग मक्के में वो अक्सर मेहमान नवाजी करते और बड़ी बड़ी दावतें कर किया करते थे दौर जाहलीत में हज़ो को क्रैश के सरदारों और इनके अशराफों मज़द लोगों में शुमार किया जाता था हजू को उस माशरे में शरफाए क्रैश में शुमार किया जाता था अफजल तरीन लोगों में शुमार होता था लोग अपने मसाइल व मामल ने उनसे रजू किया करते थे मक्के में ज़ियाफ़त मेहमानवाज़ी में इनफरादी हैसीत के मालिक थे फिर लिखा है कि घर दो बकर, गरीबों और मस्किनों पर बेहद मेहरबान थे सर्दियों में कंबल ख़रीदते और उन्हें मोहताज़ों में तकसीम कर देते एक रिवायत में है कि हज़ूकर ने एक साल गर्म ऊनी चादरें ख़रीदी यानी कंबल जो देहात से लाई गई थी और सर्दी के मौसम में मदीने की बेवा औरतों में ये चादरें तकसीम की गई एक रिवायत है खिलाफत के, के मनसब पर मतमक्न मुद्मु, होने से पहले आप एक लावारस कुंभे की बकरियों का दूध दोहा करते थे जब आप खलीफा बन गए तो उस कुंभे की एक बच्ची कहने लगी कि अब तो आप हमारी बकरियों का दूध नहीं दुआ करेंगे ये सुनकर वो ने फरमाया क्यों नहीं अपनी जान की कसम मैं तुम्हारे लिए ज़रूर दोहूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस चीज़ को इख्तियार किया है वो मुझे इस आदत से ना रोकेगी जिस पर मैं था चनाचा हंसप सबक उनकी बकरियों का दूध दोते रहे जब वो बच्चियाँ अपनी बकरियाँ लेकर आती तो आप शफ को फरमाते दूध का झाग बनाऊँ या ना बनाऊँ अगर वो कहती हैं कि झाग बना दें तो बर्तन को ज़रा दूर रख कर दूध धोते हत्या कि खूब झाग बन जाती अगर वो कहती कि झाग ना बनाएं, तो बर्तन थन के करीब करके दूध धोते ताकि दूध में झाग ना बने आप मुसलसल छः माह तक ये खदमत अंजाम देते रहे यानी खिलाफत के बाद छः माह तक फिर आपने मदीना में रिहाइश इक्तियार कर ली पहले इनके दो घर थे जू बकर के एक घर बाहर था वहाँ बाहर रहा करते थे आसम के ज़माने में लेकिन आज वसलम ने, ने मस्जिद अभी करीब अपने घरों के करीब भी एक जगह दी थी इनको वहाँ भी घर बनाया था उन्होंने इसके अलावा भी एक घर था मदीना भी दो घर थे लेकिन ज़्यादा वक्त पहले आ हज़रतलम की ज़िंदगी में ये जो मुदाफ़ात में घर था वहाँ रहा करते थे बाद में खिलाफत के बाद फिर मदीना शिफ्ट हो गए तो जब तक तो मदीना नहीं आए मुसलसल उन बच्चियों की जो ड्यूटी अपने जिम्मे आपने ली हुई थी वो अदा करते रहे मदीने के किनारे पर रहने वाली एक बूढ़ी और, और नबीना औरत का ख़्याल रखा करते थे आप उसके लिए पानी लाते और से काम काज करते एक मरतबा आप जब उसके घर गए तो ये मालूम हुआ कि कोई शख्स आपसे पहले आया है जिसने उस बुढ़िया के काम कर दिए हैं अगली दफ़ा आप इस बुढ़िया के घर जल्दी गए ताकि दूसरा शख़्स पहले ना आ जाए हजरत उमर छुप कर बैठ गए तो क्या देखते हैं कि ये अबू बकर हैं जो उस बुढ़िया के घर आते थे और उस वक्त अबू बकर खलीफा थे इस पर हजर ने फरमाया अल्लाह की कसम ये आप ही हो सकते थे यानी कि इसने की इस मेरे से बढ़ने वाले आप ही हो सकते थे एक रिवायत है मूसा बिन इस्माइल ने बयान की कि मोतमर ने अपने बाप से रिवायत की और बताया कि अबू उस्मान ने हमसे बयान किया हजरत अब्दुलरहमान बिन अबी बकर्रजा ने उन्हें बताया कि सुफ़ा वाले मोहताज लोग थे और एक दफ़ा नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास दो आदमियों का खाना हो वो तीसरे को ले जाए और जिसके पास चार का खाना हो वो पाँचवें को ले जाए या छठे को या ऐसा ही कुछ अल्फात फरमाए यानी वो गरीब लोग जो बैठे हुए थे लोग अपने घरों में ले जाए उनको खाना खिलाएँ हजदूबकर तीन आदमियों को ले आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस को ले गए और घर में हजदबूबर और तीन और शख़्स थे हजरबरहन कहते थे कि मैं मेरा बाप और मेरी माँ रावी ने कहा है कि मैं नहीं जानता क्या आया अब्दुररहन ने यह भी कहा कि मेरी बीवी या मेरा ख़ादम जो कि जो कि हमारे और हज़रत तो बकर घर में मुश्तरक था और ऐसा हुआ कि हज़रत हतर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ शाम का खाना खाया फिर वहीं ठहरे रहे जहाँ तक ईशा की नमाज़ पढ़ी फिर वापस आ गए नहमानों घर ले गए थे लेकिन फिर वापस आए आन के बस ठहरे रहे और वहीं खाना खा लिया बयान करते हैं कि वहाँ इतनी देर ठहरे कि रसूल सल्लम वसम ने शाम का खाना खाया और इतनी रात गुजरने के बाद आए जितना कि अल्लाह ने चाहा उनकी बीवी ने उनसे कहा किस बात ने आपको अपने मेहमानों से या कहा मेहमान से रोके रखा हजरत अवकर ने यानी इतनी देर क्यों लगाई आपने हजरत वक्र ने कहा क्या तुमने उन्हें खाना नहीं खिलाया वो कहने लगे कि इन्होंने आपके आने तक खाने से इनकार कर दिया था मेहमानों ने कहा हम नहीं खाएंगे जब तक हजदूब बकर नहीं आते उन्होंने तो उनको खाना पेश कर दिया था इनकी एलिया कहने लगी मैंने तो खाना पेश कर दिया था मगर मेहमानों ने उनकी पेश न चलने दी हजरतरहन कहते थे कि मैं जाकर छुप रहा हजदूब बकर ने कहा मैं इसलिए छुप गया कहीं मुझे डांटना पड़े हजरत बकर से क्यों नहीं मेहमानों को खाना खिलाया वकर ने कहा ए बेवकूफ़ और उन्होंने शख्त सुस्त कहा मुझे हब्द्रबान कहते हैं उनके बेटे और मेहमानों से कहने लगे हजरत वकर मेहमानों से कहा कि खाना खाएँ और ख़ुद हजरत वकर ने कसम खा ली कि मैं हर गज़ नहीं खाऊँगा हजरतब्दरहन कहते थे कि अल्लाह की कसम हम जो भी लुकमा लेते इसके नीचे से उससे ज़्यादा खाना बढ़ जाता और उन्होंने इतना खाया कि वो शेर हो गए और जितना पहले था इससे भी ज़्यादा हो गया मेहमानों को खाना खिलाया मेहमान खाना खा मेहमान खाना खाते जाते थे लेकिन कहते हैं कि खाना उतना ही रहता था बल्कि बढ़ जाता था और सब ने पेट भर के खाया हज दो ने देखा जब ये देखा उन्होंने कि खाना तो वैसे का वैसा है बल्कि उससे भी ज़्यादा था तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा बनी फिरास की बहन ये क्या है उनकी बीवी बोली कि कसम है कसम मेरी आँखों की ठंडक की ये तो अब इससे तीन गुना ज़्यादा है जितना पहले था यानी कितना बढ़ गया खाना फर्जवकर ने भी इससे खाया और कहने लगे वो तो सिर्फ़ शैतान था यानी उसकी तारीख पर मैंने खाने की कसम ना खाने की कसम खाई थी पहले कहा था कसम है कि मैं नहीं खाऊंगा लेकिन देखा जब बरकत पड़ रही है खाने में तो आपने कहा वो कसम मुझे शैतान ने खिलवाई थी मेरे से लेकिन ये वरकत वाला खाना है मैं भी खाऊंगा फिर इसमें से एक लुकमा हज़द वकर ने खाया इसके बाद वो खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और वह के यहाँ सुबह तक रहा खाना माँ रहा सुबह तक कहते हैं हमारे और एक कौम के दरमियान एक अहद था और उसकी मियाद गुजर गई थी हमने बारह आदमियों को अलग अलग बिठाया और उनमें से हर एक आदमी के साथ कुछ लोग थे अल्लाह बेहतर जानता है यानी कि उन उनदा करने वालों के बारह आदमी थे और हर, हर एक के साथ कुछ लोग भी थे कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हर आदमी के साथ कितने थे मगर इस कदर ज़रूर है कि आप ने उन आदमियों को लोगों के साथ भेजा यानी काबिल ज़िक्र तादाद थी हजरत अब्दरहमान कहते थे तो उन सब ने उस खाने में सिखाया या कुछ ऐसा ही कहा तो ये बरकत अल्लाह तो वकर खाने में भी एक धुआ डाली हजरत अब्दरहमान बिन बकर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम तो में से कोई है जिसने आज किसी मुस्किन को खाना खिलाया हो हज़रत अबूबकर ने कहा मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक साइल ने सवाल किया मैंने अब्दुलरहमान के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा पाया वो मैंने उससे ले लिया और वो इस साल को दे साइल को दे दिया इस तरह सवाल करने वाले ने सवाल किया था मेरे बेटे के हाथ में रोटी थी तो मैंने उससे ले कर फिर उस वाली को दे दी मुस्लिम माउद रजिद बयान फरमाते हैं कि बकर के बेटे अब्दुलरमान भी खिलाफत के लायक थे और लोगों ने कहा भी कि उनकी तबीयत हजरत उमर से नरम है और लियाकत भी उनसे कम नहीं इनको आपके बाद खलीफा बनना चाहिए लेकिन हजरत बकर ने खिलाफत के लिए हज़रत उमर को ही मुंतखब किया बावजूद कि हजरत बकर और हजरत उमर की तबाही में इख्तलाफ था बस हजरत बकर ने खिलाफत से ज़ाती फ़ायदा कोई हासिल नहीं किया बल्कि आप इंतल्क में ही बड़ा ही ख्याल किया करते थे सूफिया की एक रिवायत है तो कहाँ तक दुरुस्त ये कि हजरत अबकर की वफात के बाद हजरत उमर ने हजरत अबूकर के गुलाम से पूछा कि वो कौन कौन से नए काम थे जो तैराक किया करता था ताकि मैं भी वो काम करूँ मन जुमला और नए कामों के इस गुलाम ने एक काम ये बताया कि रोज़ाना हजत अबकर रोटी लेकर खाना लेकर फ़लान तरफ जाया करते थे और मुझे एक जगह खड़ा करके आगे चल जा चले जा जाते जा 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 थे मैं ये नहीं कह सकता कि किस मकसद के लिए उधर जाते जा थे चनाचे उमर इस गुलाम के हमरा उस तरफ को खाना लेकर चले गए जिसका जिक्र ग़ुलाम ने किया था आगे जाकर क्या देखते हैं कि एक गार में एक अपाहज अंधा जिसके हाथ न थे बैठा हुआ था हजरत उमर ने उस अपहाज के मुँह में एक लकमा डाला तो रो पड़ा और कहने लगा अल्लाह ताला अबू बकर पर रहम फरमाए वो भी क्या नेक आदमी थे और तो उम्र ने कहा बाबा तुझे किस तरह पता चला कि अबू बकर फौत हो गए उसने कहा कि मेरे मुँह में दांत नहीं है इसलिए अबूबर मेरे मुँह में लुकमा चुबा कर डाला करते थे आज जो मेरे मुँह में सख्त लुकमा आया तो मैंने ख्याल किया कि ये लकमा खिलाने वाला अबू बकर नहीं है बल्कि कोई और शख्स है और अबू बकर तो नागा भी नागा भी कभी ना किया करते थे अब जो नागा हुआ तो यकीन वो दुनिया में मौजूद नहीं है बस वो कौन सी शह है तो हैं तो कौन सी शह है जो बादशाह से हजू बकर ने हासिल की खिलाफत या बादशाह जो उनको मिली उसे तो कुछ नहीं हासिल किया क्या सरकारी माल को अपना अपना करार दिया उन्होंने और हुकूमत की जायदादों को अपना माल करार दिया हरगिज़ नहीं जो शाह उनके रिश्तेदारों को मिली वो उनकी जतीी जदाद से थी सिर्फ उनको थी जो एक इम्तियाज़ वो तो खदमत थी जो उन्होंने की हजरत मसीमत तो फरमाते हैं ये दो टुकड़े शरीयत के हैं हकल्ला और इबाद हक ये दो चीज़ें हैं अल्लाह ताली का हक और इबाद फरमाते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ देखो कि किस कदर खिदमत में उम्र को गुजारा और हज़रतली की हालत को देखो कि इतने पैबंद लगाए कि जगह ना रही हजरत बकर ने एक बुढ़िया को हमेशा हलवा खिलाना वतीरा कर रखा था गौर करो कि यह किस कदर इल्ताम था जब आप फौत हुए यानी हजरत वक्र फ़ौत हो गए तो उस बुढ़िया ने कहा कि आज वो बकर फोत हो गया उसके पड़ोसियों ने कहा कि क्या तुझको इल्हम हुआ या वही हुई तो उसने कहा नहीं आज हलवा लेकर नहीं आया इस वास्ते मालूम हुआ कि फ़ोत हो गया यानी ज़िंदगी में मुमकिन ना था कि किसी हालत में भी हलवा ना पहुँचे देखो किस कदर ख़िदमत थी ऐसा ही सबको चाहिए कि ख़िदमत खल करे आपका पर्दापोशी का मैार क्या था इस बारे में रवायत है हजदोग्र फरमाते थे कि अगर मैं चोर को पकड़ता तो मेरी सबसे बड़ी ख़्वाहिश ये होती कि खुदा उसके जुर्म पर पर्दा डाल दे बहादरी और शुजात के बारे में लिखा है हज़ु बकर शजात और बहादरी का मुजस्मा थे बड़े बड़े ख़तरे को इस्लाम की खातर या नबी अक्रम सल वसम की मोहब्बत और इश्क़ की बदौलत ख़ातर में ना लाते थे मक्की ज़िंदगी में जब उन्होंने नबी अकरम सलील वम की ज़ात के लिए कोई ख़तरा या तकलीफ़ का मौका देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत तो और नुसरत के लिए दीवार बनकर सामने खड़े हो जाते शेब अबी तालिब ने तीन साल तक असीरी और मासूरी का ज़माना आया तो साबित कदनी इस्तलाल के साथ वहीं मौजूद रहे फिर हिजरत के दौरान उन्हें हजूर अलैहि वसल्लम की सोबत और मैियत का एज़ाज़ मिला हालांकि जान का ख़तरा था जितनी भी जंगें हुई हजद वो ना सिर्फ ये कि उनमें शामिल हुए बल्कि रसूल सल वसम की हिफाजत के फरज़ आप सर अंजाम देते आपकी इसी ज़रूरत और बहादुरी को सामने रखते हुए हज़रतली ने एक मरतबा लोगों से पूछा कि अ लोगो लोगों में से सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है लोगों ने जवाब दिया कि अमीरुल अमीरमिन आप हैं हज़रतली ने फरमाया जहाँ तक मेरी बात है मेरे साथ जिसने मुबारजत की मैंने उससे इंसाफ़ किया यानी उसे मार गिराया मगर सबसे बहादुर बकर हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बदर के दिन खैमा लगाया फिर हमने कहा कि कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई मुशरिक न पहुँच पाए तो अल्लाह की कसम वसल्लम के करीब कोई ना गया मगर बकर अपनी तलवार को सौंते हुए अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मशरक नहीं पहुँचेगा मगर वो पहले वो हजरत अब्बकर से मुकाबला करेगा बस वो सबसे बहादुर शख्स हैं इसी तरह जंग में जब रसूल सल वसलम की शहादत की अफवाह फैली तो सबसे पहले हजरत अबूबकर हजूम को चीरते हुए रसूल सल वसलम के पास पहुँचे कहा जाता है कि हजरूसम के पास उस वक्त सिर्फ ग्यारह सहाबा कर मौजूद थे जिनमें से हजतब्बकर हजर सात और हजरत और हजरत उबैर और हजरत अबुल्द जाना का नाम भी आता है जंगद में अहमद के पहरे में घाटी पर मौजूद चंद जान निसारों में हजरत बकर भी एक थे जंग खंदक में हल्त बकर रसूल के साथ साथ थे और खंदक की खुदाई के वक्त आप कपड़े में मिट्टी उठा कर फेंकने फेंकने वालों में शामिल थे सुलह उदैबिया के मौके पर जान नशावर करने के लिए बैत करने वालों में तो आप शामिल थे ही लेकिन जो माहिदा लिखा गया तो जिस ईमानी ज़रूरत और इस्तलाल और फरासत और इतात हो इश्क रसूल अलैहि वसम का नमूना हजरत ने पेश किया हजरत उमर अपनी बात की सारी ज़िंदगी इसको नहीं भूले ग तइफ़ में भी हजरत बकर शामिल थे और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर भी शामिल थे हजरत बकर के ये जवान बेटे इस गजबे में शहीद हो गए थे फिर रसूल सल जब तीस हज़ार का लश्कर लेकर गजवा तबू के लिए निकले तो रसूल सल वसम ने मुख्तलिफ मुख्त सिपासी मुकड़ फरमाए और उन्हें झंडे अता फरमाए इस मौके पर सबसे बड़ा झंडा हजरत को अदा किया गया सलमा बिन अकवा जया फरमाते हैं कि मैंने नबी अक्रम सम की मईत में सात गजबात में शिरकत की और जो चंगी मुहिम हज़रत सल्ला वम ने रवाना फरमाईं इनमें से नौ महिमात में मुझे शामिल होने का मौका मिला और इन में कभी तो हमारी कमान हजरत बकर के पास होती थी और कभी हज़रत सामा बिन जैद के पास और आ की वफ़ात के बाद जब सारा अरब की गोया मुर्त हो गया इन हालात में जिस जरत व शिजात का अमली मुजाहरा हजरत बकर ने फरमाया वो अपनी मिसाल आप है इसका ज़िक्र पहले हो चुका है तफसीलीस्लि रज़ा हो बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में पटका डालकर ज़ोर से खींचना शुरू किया हज़त वो अगर कोई इस बात का इलम हुआ तो दौड़े हुए आए और आपने उन कुफार को हटाया और फरमाया लोगों तो खुदा का खौफ नहीं आता कि तुम एक शख्स को मैं इसलिए मारते पीटते हो कि वो कहता है कि अल्लाह मेरा रब है वो तुमसे कोई जदाद तो नहीं मांगता फिर तुम उसे क्यों मारते हो साहबा कहते हैं कि हम अपने ज़माने में सबसे बहादुर हज़रत ऊब बकर को समझते थे क्योंकि दुश्मन जानता था कि अगर मैंने मोहम्मद रसूल वसम को मार लिया तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा और हमने देखा कि हमेशा ऊबकर रसूल करीम वसल्लम के पास खड़े होते थे ताकि जो कोई आप पर हमला करे इसके सामने अपना सीना कर दें चुनाच जब बदर के मौके पर कुफार से मुठभेड़ हुई तो साहबा ने में मशो करके रसूल करीम अलैहि वसल्लम के लिए एक अरशा तैयार कर कर दिया और उन्होंने रसूल करीम सल वम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल आप इस अरशीफ़ रखें और हमारी कामयाबी के लिए दुआ करें दुश्मनों से हम खुद लड़ेंगे फिर उन्होंने कहा यार रसूल हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि गो हमारे अंदर भी इखलास पाया जाता है मगर वो लोग जो मदीने में बैठे हैं वो हमसे भी ज़्यादा मुखलिस और ईमानदार हैं उन्हें पता नहीं था कि कुफार से जंग होने वाली है वरना वो लोग भी इस लड़ाई में जरूर शामिल होते जंग बदर का बकायदा पता नहीं था पहले नहीं तो वही शामिल हो जाते यार रसूल्ला अगर ख़ुदान खास्ता इस जंग में हमें शिकस्त हो तो हमने एक तेज़ रफ्तार उठनी आपके पास बांध दी है और अबूबर को आपके पास खड़ा कर दिया है उनसे ज़्यादा बहादुर और दलर आदमी हमें अपने अंदर और कोई नज़र नहीं आया यार रसूल्ला आप फ़ौर अबू बकर के साथ इस उठनी पर बैठ कर मदीना तशीफ ले जाएँ और वहाँ से एक नया लश्कर कुफार के मुकाबले के लिए ले आएँ जो हमसे भी ज़्यादा मुखलस और वफादार होगा हर मुस्लिम फरमाते हैं कि इस वाक़े से अंदाज़ा लगा लो कि अबू बकर कितनी कुर्बानी करने वाला इंसान था फिर एक मौके पर मुस्लिम फरमाते हैं कि एक दफ़ा बाद लोगों ने सहाबा से पूछा कि रसूल करीम के ज़माने में सबसे ज़्यादा दिलर और बहादुर कौन शख्स था जिस तरह आज कल शी सनी का सवाल है इसी तरह उस ज़माने में भी जिस किसी के साथ तल्लुक़ होता था लोग उसकी तारीफ़ें किया करते थे जब साहबा ने यह सवाल किया गया से सवाल ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम में से सबसे बहादुर वो शख्स समझा जाता था जो रसुल रसूल जो करीम के पास खड़ा होता था ये नुकता एक जंगी आदमी समझ सकता है दूसरा आदमी नहीं समझ सकता जिसको जंग का पता हो सही और जंग के ख़तरात का पता हो उसी को अंदाज़ा हो सकता है कि बहादुरी कैसी है जहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरा हो वहाँ खड़े होना तो फरमाते हैं कि बात यह है कि जो शख्स मुल्क और कौम की रूह रवा हो दुश्मन चाहता है कि उसे मार डाले ताकि उसकी मौत के साथ तमाम झगड़ा ख़त्म हो जाए इसलिए जिस तरफ भी ऐसा आदमी खड़ा होगा दुश्मन उस तरफ पूरे ज़ोर के साथ हमला करेगा जो मरक़ हो किसी चीज़ का उसी की तरफ ज़्यादा हमला करता है दुश्मन और ऐसी जगह पर वही शख्स खड़ा हो सकता है यानी उसकी हिफाजत के लिए उस मरकज़ की हिफाजत के लिए वही शख्स खड़ा हो सकता है जो सबसे ज़्यादा बहादुर हो फिर ने कहा कि आपके पास अक्सर हजरत बकर खड़े हुआ करते थे और हमारे नज़दीक वही सबसे ज़्यादा बहादुर थे फिरत मुस्लिम और बनी इसराइल की दूसरी आयतूरत बनी इसराइल की दूसरी आयत तरह बयान फरमाते हुए एक जगह फरमाते हैं कि यह अमर भी काबिल तो जो है कि असरा ही से ज़ाहिर होता है कि चलाने वाला कोई दूसरा था और उसमें चलने वाले का अपना इश्तीय न था हिजरत का वाक़ भी इसी तरह हुआ कि आप रात ही को निकले और यह निकलना अपनी मर्ज़ी से न था बल्कि इस वक्त मजबूर होकर आप निकले जबकि कुफार ने आपके कत्ल करने के लिए आपके घर का मुआवरा कर लिया था बस इस सफ़र में आपकी मर्ज़ी का दखल न था बल्कि खुदा ताली की मशीयत ने आपको मजबूर किया था यानी आपको चलाने वाला आपको बाहर निकालने वाला आपको हिजरत पर ले जाने के लिए मजबूर के लिए कहने वाला अल्लाह ताला था, और उसकी मशीयत की वजह से आप मजबूर होकर निकले थे फिर जिस तरह के फिर जिस तरह रोया में जबराइल बैतुलमकदस के सफ़र में आपके साथ थे हिजरत में अब बकर आपके साथ थे जो गोया इसी तरफ इसी तरह आपके ताबे थे जिस तरह जब्रैल खुदा ताला के ताबे काम करता है और जब्रैल के माने खुदा ताला के पहलवान के होते हैं हज़रत बकर भी अल्लाह ताली के ख़ास बंदे थे और दीन के लिए एक निडर पहलवान की हैसियत रखते थे फिर मुस्लिम और एक जगह की हकीकत यह है कि अल्लाह ताली के कलाम पर ईमान के होते हुए इंसानी कल्ब में मायूसी पैदा ही नहीं हो सकती अल्लाह ताला के ऊपर ईमान हो कामिल तो दिल में कोई भी मायूसी पैदा नहीं हो सकती रसूल करीम अलैहि वसल्लम की जो हालत सौर में हुई इसके बाद कौन सी उम्मीद की हालत बाकी रह जाती थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में अपने घर को छोड़कर कर सौर में जा छुपे एक ऐसी कार में जिसका मुंह बहुत बड़ा खुला था और हर इंसान आसानी से उसके अंदर झांक सकता था और कूद सकता था सिर्फ एक साथी आपके हमरा था और फिर दोनों बग़ैर हथियारों और बग़ैर किसी ताकत के थे मक्के के मुसल्ला लोग आपके ताकत में गार पर पहुँचे और उनमें से बाज ने इसरार किया कि हमें झुककर अंदर भी एक दफ़ा देख लेना चाहिए ताकि अगर वो अंदर हों तो हम उनको पकड़ सकें दुश्मन को इतना गरीब देख कर तो वो बकर रजील हो रो पड़े और उन्होंने कहा यार रसूल दुश्मन तो सर पर पहुंच गया आप उस बड़े जोश आपने उस वो बड़े जोश से फ़ुरमाया ल हजन इन ला माना अगूबकर डरते क्यों खुदा हमारे साथ देखो घबराहट के लिहाज से कितनी इंतहाई चीज़ उस वक्त आपके सामने आई और उस वक्त के और इस वाक़ के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल या आपकी गिरफ्तारी में कौन सी कसर बाकी रह जा रह गई थी मगर बावजूद इसके कि दुश्मन ताकतवर था सफ़ाई उसके साथ थे हथियार उसके पास मौजूद थे और रसूल करीम अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं थे सिर्फ एक साथी के साथ घर में बैठे थे ना हथियार आपके पास था ना हकूमत आपकी तायद में थी ना कोई जत्था आपके पास था आप कसीरताद दुश्मन को अपने साथ खड़ा देखने के बावजूद फरमाते हैं ला त हजन इन अल्ला तुम क्यों ये कहते हो कि दुश्मन ताकतवर है क्या वो खुदा से भी ज़्यादा ताकतवर है जब खुदा हमारे साथ है तो हमारे लिए घबराहट की कौन सी वजह है हज़ूबकर की घबराहट भी अपने लिए नहीं थी बल्कि रसूल करीम सलील वसलम के लिए थी बस फरमाते हैं बस यह लोग इस वाक्य को पेश करके कहते हैं कि अबूबकर नावज़ुबिल्ला बेईमान था वो अपनी जान देने से डर गया हालांकि तारीखों में साफ़ लिखा है कि जब रसूल करीम सल्ला वसल्लम ने फरमाया ला तजन इन्ना तो हज तो वक्र ने कहा यार रसूलुल्लाह मैं अपनी जान के लिए तो नहीं डरता मैं अगर मारा गया तो सिर्फ़ एक आदमी मारा जाएगा मैं तो आपके लिए ही डरता हूँ क्योंकि अगर आपको नुकसान पहुँचा तो सदाकत दुनिया से मिट जाएगी फिर एक जगह मुस्लिम सल् फरमाते हैं कि ये बात अम्ब्याज से ही मखसूस नहीं बल्कि इनसे उतर कर भी अपने अपने ज़माने में ऐसे लोग मिलते हैं कि जो काम उन्होंने उस वक्त किया वो उनका गैर नहीं कर सकता था हजरत हजतऊबकर रिजलान हो कोई ले लो हजतर के मतलब कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि आप भी किसी वक्त अपनी कॉम की क्यादत करेंगे आम तौर पर यही समझा जाता था कि आप कमज़ोर तबीयत सुलह कुल और नरम दिल वाक़ हुए हैं रसूल करीम सल्ला वसम के ज़माने की जंगों को देख लो आपली ने किसी बड़ी जंग में भी हजतूब को फ़ौज का कमांडर नहीं बनाया बेशक बाद छोटे छोटे ग़ज़बात ऐसे हैं जिनमें आपको अफसर बनाकर भेजा गया मगर बड़ी जंगों में हमेशा दूसरे लोगों को ही कमांडर बनाकर भेजा जाता था इसी तरह दूसरे कामों में भी आपको इंचार्ज नहीं बनाया जाता था बाकी कुरान करीम की तलीम है या कदा वगैरह का काम है ये भी आपके स्पर्द नहीं किया गया अबूकर स्पुरद नहीं किया लेकिन रसूल करीम सल्ला वसलम जानते थे कि जब अबू बकर का वक्त आएगा तो जो काम अबू बकर कर लेगा वो उसका गैर नहीं कर सकेगा चुनाच जब रसूल करीम सल्लाम फ़ौत हुए और मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा हो गया कि कौन खलीफा हो उस वक्त हजत बकर के जहन में भी ये बात न थी कि आप खलीफा होंगे आप समझते थे कि किमर वगैरह ही इसके अहल हैं हो सकते हैं उनसार में जो, जो जोश पैदा हुआ और उन्होंने चाह कि खिलाफत उन्हीं में रहो क्योंकि समझते थे कि हमने इस्लाम की खातर कुर्बानियाँ की हैं और अब खिलाफत का हक अनुसार का ख़्याल था कि हमारा है और इधर महाजरीन कहते थे कि खलीफा हम में से हो गरज रसूल करीम सल्ला वसल्लम की वफात पर एक झगड़ा बरपा हो गया अंसार कहते थे कि खलीफा हम में से हो और महाजरीन कहते थे कि खलीफा हम में से हो आखिर अंसार की तरफ से झगड़ा इस बात पर ख़त्म हुआ कि एक खलीफा महाजरीन में से हो और एक खलीफा अंसार में से हो इस झगड़े को दूर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई हज़ुमर फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने समझा कि हजदू वकर बेशक ने और बुज़र्ग हैं लेकिन इस गुत्थी को सुलझाना इनका काम नहीं है ये बहुत मुश्किल काम है इनके लिए इस गुत्थी को अगर कोई सुलझा सकता है तो हज उमर ने कहा कि वो मैं ही हूँ यहाँ ताकत का काम है नरमी और मोहब्बत का काम नहीं और हजर तो नरमी और मोहब्बत दिखाने वाले हैं चाचा फरमाते हैं मैंने सोच सोच कर ऐसे दलायल निकालने शुरू किए जिनसे ये साबित हो कि खलीफा कुरैश में से होना चाहिए और ये कि एक खलीफा अनसार में से हो और एक महाजरन में से ये बिल्कुल ग़लत है आप फरमाते हैं कि मैंने बहुत से दलाल सोचे और फिर उस मजलिस में गया जो इस झगड़े को निपटाने के लिए मनक़द मुन्लु, मुन्लु, की गई थी हज़रत वक्र भी मेरे साथ थे मैंने चाह कि तकरीर करूँ और दलायल से जो मैं सोच कर गया था लोगों को क़ायल करूँ मैं समझता था कि हज़रतर इस शौकत और दबदबे के मालिक नहीं कि इस मजे से बोल सकें लेकिन मैं खड़ा होने नहीं लगा था उमर कहते हैं उम्र कहते हैं है कि मैं खड़ा होने नहीं लगा था कि हजरत अगूबकर ने गुस्से से हाथ मारकर कहा बैठ जाओ और ख़ुद खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी उमर फरमाते हैं कि खुदा की कसम जितनी दलीलें मैंने सोची थी वो सब की सब हजरत अगू ने बयान कर दी और फिर और भी कई दलाल बयान करते चले गए और बयान करते चले गए यहाँ तक कि इंसान के अनसार के दिल मुतमिन हो गए और उन्होंने खिलाफत महाजरीन खिलाफत महाजरीन के असूल को तस्लिम कर लिया ये वही वो बकर था जिसके मतलब हजरत उमर ख़ुद बयान करते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा किसी झगड़े पर बाजार में हजू होकर के कपड़े फाट दिए और मारने पर तैयार हो गए थे ये वही अबू बकर था जिसके मतलब रसूल करीम सल्ला व्लम फरमाया करते थे कि हज़रत अबू अबूबकर हज़रत अबू बकर का दिल रकीक है मगर जब रसूल करीम सल्ला वसम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो वफात से कबल आपने हजरत आयशा से फरमाया फरमायाद रसल ने हजरत आयशा से फरमाया कि मेरे दिल में बार बार ये ख्वाहिश उठती है कि मैं लोगों से कह दूँ कि वो मेरे बाद अबू बकर को खलीफा बना लें लेकिन फिर रुक जाता हूं, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मेरी वफात के बाद खुदा ताला और उसके ममिन बंदे अबू बकर के सिवा किसी और को खलीफा नहीं बनाएंगे चाहे तो ऐसा ही हुआ आपको खलीफा मंतख किया गया आप रकीकल्ब इंसान थे और इतनी नरम तबीयत के थे कि एक दफ़ा आपको मारने के लिए बाज़ार में हज़त आगे बढ़े और उन्होंने आपके कपड़े फाड़ दिए लेकिन वही बकर जिसकी नरमी की यह हालत थी एक वक्त ऐसा आया कि हज़रतमर आपके पास आए और उन्होंने दरख्वास्त की कि तमाम अरब मुखालिफ हो गया है सिर्फ मदीना मक्का और एक और छोटी सी बस्ती में नमाज बाजमात होती है बाक़ी लोग नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन उनमें इतना तफरका पैदा हो चुका है कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं और इख्तलाफ इतना बढ़ चुका है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं अरब के जाहिल लोग जो पाँच पाँच छः छः माह से मुसलमान हुए हैं मुतालबा कर रहे हैं कि ज़कात माफ़ कर दी जाए ये लोग ज़कात के मसले को समझते तो हैं तो हैं नहीं अगर उसमर ने कहा कि अगर एक दो साल के लिए उन्हें ज़कूत माफ़ कर दी जाए तो क्या रहा है गोया वो उमर जो हर वक्त तलवार हाथ में लिए खड़ा रहता था और ज़रा सी बात भी होती थी तो कहता था यार रसोल्ला हुक्म हो तो इसकी गर्दन उड़ा दूँ वो उन लोगों से इतना मरबूब हो जाता है इतना डर जाता है इतना घबरा जाता है कि अबू बकर के पास आकर उनसे दरख्वास्त करता है कि इन जहाँ लोगों को कुछ अर्से के लिए ज़कवात माफ़ कर दी जाए हम आहिस्ता आिस्ता उन्हें समझा लेंगे मगर वो अबू बकर जो इतना रकीकुलकल्प था कि हजरत उमर कहते हैं कि मैं एक दफ़ा उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया था और बाजार में उनके कपड़े फाड़ दिए थे उसने उस वक्त नहायत गु़स्से से उमर की तरफ देखा यानी जब ये बात कही हजरत उमर ने कि इनसे इन कुछ ना कहा जाए लोगों से जो बागी हो रहे हैं दो साल तक नाजात लें हम आगे समझा लेंगे जब उमर ने यह बात की हजदुबकर तो ने नायात तो गु़े से उम्र की उम्र की तरफ देखा और कहा उमर तुम उस चीज़ का मुतालबा कर रहे हो जो खुदा और उसके रसूल ने नहीं की हजत उमर ने कहा यह ठीक है लेकिन ये लोग हदीस लाहद हैं दुश्मन का लश्कर मदीन की दीवारों के पास पहुँच चुका है क्या ये अच्छा होगा कि ये लोग बढ़ते चले आएँ और मुल्क में फिर तबाइफलमलूखी तो की हालत पैदा हो जाए या ये मुनासिब होगा कि उन्हें एक दो साल के लिए ज़ुआत माफ़ कर दी जाए या तो वाहमुखी है या यह है कि किसी तरह सुलह कर ली जाए रजदूब ने फरमाया खुदा की कसम अगर दुश्मन मदीने के अंदर घुसाए और उसकी गलियों में मुसलमानों को तह तह कर दे और औरतों की लाशों को कुत्ते घसीटते फिरें तब भी मैं उन्हें ज़कात माफ़ नहीं करूँगा खुदा की कसम अगर रसूल करीम सल्ला वसलम के ज़माने में ये लोग रस्सी का एक टुकड़ा भी बतौर ज़क़ात देते थे तो मैं वो भी इनसे ज़रूर वसूल करूँगा फिर आपने फरमाया उमर अगर तुम लोग डरते हो तो बेशक चले जाओ मैं अकेला ही इन लोगों से लड़ूँगा और उस वक्त तक नहीं रुकूँगा जब तक ये अपनी शरारत से बाज नहीं आ जाते चुनाचे लड़ाई हुई और हजत आप फाते हुए यानी हजत फाते हुए और अपनी वफात से पहले पहले आपने दोबारा सारे अरब को अपने मातहत कर लिया हजतर ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया वो इन्हीं का हिस्सा था कोई और शख्स वो काम नहीं कर सकता था मुस्लिम और फ्रमाते हैं कि मके के, के रगुसा को लोगों में से इस किस्म की इज़्ज़त और अजमत हासिल थी कि लोग उनके सामने बात करते हुए डरते थे और उनके अहसानात भी लोगों पर इस कसरत के साथ थे कि कोई शख्स उनके सामने आँख तक नहीं उठा सकता था उनकी इस अजमत का पता उस वक्त लग सकता है कि सुल्ह देविया के मौके पर जिस सरदार को मक्के वालों ने रसूल करीम सल्ला वसलम से गुफ्तू करने के लिए भेजा उसने बातों बातों में रसूल करीम सल्ला वसलम की रीश मुबारक को हाथ लगा दिया ये देख कर एक सबी ने ज़ोर से अपना तलवार का कुंदा जो दस्ता होता है तलवार का उसके हाथ पर मारा और कहा अपने नापाक हाथ रसूल करीम सली वसलम की रीश मुबारक को मत लगाओ उसने आग उठाकर देखा ताकि मालूम करेगा कि कौन सा कौन शख्स है जिसने मेरे हाथ पर तलवार का दस्ता मारा है सहाबा चूँकि खौद पहने हुए थे इसलिए उनको सिर्फ़ आँखें और उनके हल्के ही दिखाई देते थे वो थोड़ी थोड़ी देर गौर से देखता रहा फिर कहने लगा क्या तुम फलां शख्स हो उन्होंने कहा कि हाँ उसने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं मैंने फ़लाँ फलां मौके पर तुम्हारे ख़ानदान को फलां मुसीबत से निजात दी और फलाँ मौक़े पर तुम पर फलां एहसान किया क्या तुम मेरे सामने बोलते हो तो मुस्लिमों तुमते हैं इस एहसान इस इस का ये इस बात का ज़िक्र करते हुए कि आजकल हम देखें तो एहसान फरामोशी के मादा लोगों में इस क़र आम हो चुका है किसी पर शाम को एहसान करो तो सुबह को भूल जाता है और कहता है क्या मैं अब सारी उम्र इसका गुलाम बना रहा हूँ मेरे पे एहसान कर दिया तो क्या हो गया वो सारी उम्र की गुलामी छोड़ एक रात के की एहसान की कदर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता मगर अरबों में एहसान मंदी का जज्बा बदरजा या कमाल पहुँच पाया जाता था अब यह एक नहायत ही नाजुक मौका था मगर जब उसने अपने एहसानात गिनवाए तो उस उसबे की नज़रें ज़मीन में गढ़ गईं और शर्मिंदा होकर पीछे हट गया इतना एहसान की कदर होती थी इस पर फिर उसने रसूल करीम सल वम से बातें करनी शुरू कर दी और कहा मैं अरब का बाप हूँ मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ कि तुम अपनी कौम की इज्जत रख लो और देखो ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द जमा है ये तो मुसीबत आने पर फ़ौरन भाग जाएंगे और तुम्हारे काम आखिर तुम्हारी कौम ही आएगी बस क्यों अपनी कौम को दलील करते हो मैं अरब का बाप हूँ वो शख्स बार बार यही कहता था कि मैं अरब का बाप हूँ तुम मेरी मात मान लो और जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह उम्र किए बगैर उमरा किए बगैर वापस चले जाओ इसी दौरान में उसने अपनी बात पर जोर देने और रसूल करीम सल वम से मनवाने की खातर आपकी रीश मुबारक को फिर हाथ लगा दिया और गोवा आपको आपकी रीश मुबारक को उसका हाथ लगाना लजाजत के रंग में था बड़ी नर मनत के रंग में कहना चाहता था और इसलिए था कि आपसे वो अपनी बात मनवाए मगर चूँकि उसमें तकीर का पहलू भी पाया जाता था इसलिए सहाबा उसे बर्दाश्त न कर सके और जू ही उसने रसूल करीम सल्लम की दाढ़ी को हाथ लगाया फिर किसी शख्स ने ज़ोर से अपना हाथ उसके हाथ पर मारा और कहा अपने नापाक हाथ रसूल करीम सल वसल्लम की रिश्ते मुबारक की तरह मत बढ़ा उसने फिर आँखें उठाईं और गौर से देखता रहा कि ये कौन शख्स है जिसने मुझे रोका है और आखिर पहचान कर उसने अपनी आँखें नीची कर लीं उस शख्स ने जो काफरों का नुमाइंदा बन के आया था जब उसने पहचाना उस शख्स को तो आँखें नीची कर ली और कहा वो बकर देखा ये तो वो बकर हैं और कहने लगा वो बकर मैं जानता हूँ कि तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं तुम ऐसे शख्स हो जिस मैंने कोई एहसान नहीं किया बस वो दूसरों पर इस कदर एहसानत करने वाली कौम थी कि सिवाय हंसत हुआ कर के जिस कदर अनसार और महाजर वहाँ थे उन सब पर उस एक रईस का कोई ना कोई एहसान था और हंसत हुआ के सिवा और किसी में ये जरूरत नहीं थी कि उसके हाथ को रोक सके वही बाय शख्स थे जो उसके जिस पर उनका उस शख का कोई एहसान नहीं था फिर एक जगह आज मुस्लिम मौतफान फरमाते हैं कि ज़कवा़त तो ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि जो नहीं देता वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है रसूल करीम सल्लासम की वफात के बाद हत के ज़माने में जब कुछ लोगों ने ज़क़त देने से इनकार कर दिया और कहा कि खजमन व वालम सदाकतम तो ताहिर हम व तोजी हिम बेह वसल इसमें तो रसूल करीम सल वम है कि तू ले अब जबकि आप वसल्लम नहीं रहे तो और कौन ले सकता है नादानों ने यह ना समझा कि वो मोहम्मद सल्ला वसलम का कायम काम होगा जो लेगा लेकिन जहालत से उन्होंने कह दिया कि हम ज़क़़त नहीं देंगे इधर तो लोगों ने ज़क़़़़़त देने से इनकार कर दिया और उधर फसाद हो गया करीब सारा अरब मरतद हो गया और कई मुद्दई नवूत खड़े हो गए यूँ मालूम होता था कि नावज़ुबिल्ला इस्लाम तबाह होने लगा है ऐसे नाजुक वक्त में साहबा ने हजरतब बकर से कहा कि आप उन लोगों से जिन्होंने ज़क़ात देने से इनकार कर दिया है फ़िलहाल नरमी से काम लें हज़रत उमर जिनकी बहुत को बहुत बहादुर कहा जाता है वो कहते हैं गो मैं कितना ही जरी हूँ मगर अबू बकर जितना नहीं क्योंकि मैंने भी उस वक्त यही कहा कि इनसे नरमी की जाए पहले काफरों को जेर कर लें फिर उसकी असलाह कर लेंगे लेकिन अबू बकर ने कहा इबन को की क्या हैसियत है कि रसूल करीम सलील आसम के दिए हुए हुक्म को बदलाए मैं तो उनसे उस वक्त तक लड़ूँगा जब तक ये लोग पूरी तरह ज़क़त न दें और अगर रसूल करीम सली वसम के वक्त ऊँट मानने की एक रसीद जो देते थे वो भी ना दें वो भी अदा ना कर दें इस वक्त सहाबा को पता लगा उस वक्त सबा को पता लगा कि, खुद, कि खुदा का बनाया हुआ खलीफा किसका तो जरूरत और दिलेरी रखता है आखिर हज़त वकर ने उनको ज़ेर किया और उनसे ज़कवात लेकर छोड़ी माली कुर्बानी के बारे में हजदूब बकर के बारे में आता है एक मुसनफ लिखता है कि हजदूब बकरीक जब ईमान लाए तो उनके पास चालीस हज़ार दिरहम की ख़तीर रकम मौजूद थी और जाहिर है कि माले तजारत अबाब इमलाक इसके अलावा थे बल्कि एक रिवायत है कि के मुताबिक तो उनके पास एक मिलियन यानी दस लाख दरहम की रकम मौजूद थी मक् में आम मुसलमानों की एनत और गरीब मुसलमानों की कफालत पर हज़ार हजरम खर्च कर दिए ताहम जब उन्होंने हिजरत की तो पाँच छः हज़ार दरम साथ थे एक रिवायत के मुताबिक वो ये सारी रकम रसूल करीम सल्ला वसलम की जरूरत के लिए बचा कर रखते गए और बहुते हजरत मदीना लेकर आए थे इसी रकम से उन्होंने हिजरत के दौरान सफ़र के अखराज के अलावा बात बाद हजरत रसूल करीम के अहले ख़ानदान में से बाज़ के सफ़र के अखराज दिए थे और मदीने में मुसलमानों के लिए कुछ ज़मीन भी खरीदी थी लतफ ने बास बयान करते हैं कि रसूल रसूल सल वसलम ने अपनी आखिरी बीमारी में कि जिसमें आपकी वफात हुई आप बाढ़ तशरीफ़ लाए और आपने अपना सारे एक कपड़े से बांधा हुआ था आप मेम्बर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह की हमदोसना बयान की और फरमाया लोगों में से कोई भी नहीं जो बलिहाज़ अपनी जान और माल से मुझ पर अबू बकर बिन कौह, अबू को से बढ़कर नेक सलूक करने वाला हो हज़त बख्रा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे किसी माल ने कभी वो फ़ायदा नहीं पहुँचाया जो मुझे अबू बकर के माल ने फ़ायदा पहुँचाया है रावी कहते हैं कि हजतु बकर सुन के रो पड़े और अर्ज़ किया यार रसूल्ला मैं और मेरा माल तो सिर्फ़ आप ही के लिए हैं एल्ला के रसूल हजर मुस्लिम आऊद रजी बयान फरमाते हैं कि एक जिहाद के मौके के मतलब हजरत उमर रजी बयान फरमाते हैं कि मुझे ख़्याल आया कि हज़रतर हो हमेशा मुझसे बढ़ जाते हैं आज मैं इनसे बढ़ूँगा ये ख्याल करके मैं घर गया और अपना माल अपने माल में से आधा माल लेकर रसूल करीम सल्म की खिदमत पेश करने के लिए ले आया वो ज़माना इस्लाम के लिए इंतहाई मुसीबत का दौर था लेकिन हज़त ऊबर इस दौरान हो अपना सारा माल ले आए एक जगह मुस्लिमों ने फरमाया गया तो ऊबर अपना सारा असास लिहाफ़ और चरपाइयाँ भी उठाकर ले आए बहरहाल और रसूल करीम खिदमत पेश कर दिया सारा माल रसूल करीम सल वम ने पूछा अबू बकर घर में क्या छोड़ आए तो उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके और उसका रसूल सल्लम हज़ुम रजील तन फरमाते हैं यह सुनकर मुझे सख्त शर्मिंदगी हुई और मैंने समझा कि आज मैंने सारा ज़ोर लगा कर अबू बकर से बढ़ना चाहा मगर आज भी मुझसे अबू बकर बढ़ गए तो मुस्लिम वो कहते हैं कि मुमकिन है कोई कहे कि जब हजरत अबू बकर रजी तन अपना सारा माल ले आए तो फिर घर वालों के लिए उन्होंने क्या छोड़ा इसके मतलब याद रखना चाहिए कि इससे मुराद घर का सारा दो था वो ताज़र थे और जो माल तजारत में लगा हुआ था वो नहीं लाए थे और ना मकान बेच कर आ गए थे बल्कि वो घर का सामान लेके आए थे उस वक्त से हैं कि इस वाकया से हज़ार के दो कुमार ज़ाहिर होते हैं एक ये कि वो क़ुरबानी में सबसे आगे बढ़ गए और दूसरे ये कि बावजूद अपना सारा माल लाने के फिर सबसे पहले पहुंच गए और जिन्होंने थोड़ा दिया था वो इस फिक्र में ही रहे कि कितना घर में रखें और कितना लाएं मगर बावजूद इसके दो के हजरत ये कहीं नहीं आता कि उन्होंने दूसरों पर एतराज़ किया हो सारा कुछ ले आए लेकिन ये नहीं हुआ कि उन्होंने एतराज़ किया देखो मैं ले आया और वो दूसरे नहीं ले कर आते हजरत कुर्बानी करके भी ये समझते थे कि अभी खुदा का मैं देनदार हूँ और मैंने कोई अल्लाह ताला पर एहसान नहीं किया बल्कि उसका एहसान है कि उसने मुझे तोफीक दी है बस जैसे इससे मैंने बयान फरमा रहे हैं हज़मस्लिम मऊद कि माली कुर्बानी करने वालों को अपना देखना चाहिए उन मुनाफों की तरह नहीं होना चाहिए जो खुद भी चंदा नहीं देते और अगर थोड़ा सा दे, दे दें तो दूसरों पर एतराज़ करते हैं देखो फ़लान ने कम दिया और फलां ने इतना दिया हज मुसलिम मऊदला फरमाते हैं सहाबा की तो वो पाक जमात थी जिसकी तारीफ में कुरान शरीफ भरा पड़ा है क्या आप लोग ऐसे हैं जब खुदा कहता के हज मसी के साथ वो लोग होंगे जो सहबा के दोष बदोश होंगे सहाबा तो वो थे जिन्होंने अपना माल अपना वतन राय हक में दे दिया और सब कुछ छोड़ दिया और सिद्दीक अकबर रजील्नों का मामला अक्सर समा होगा एक दफ़ा जब राय खुदा में माल देने का हुक्म हुआ तो घर का कुल असासा ले आए जब रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने दिरावत किया कि घर में क्या छोड़ आए तो फरमाया कि खुदा और उसको और रसूल को घर छोड़ छोड़ आया हूँ रई से मक्का हो और कम्बल पोश को रुबा का लिबास पहने ये समझ लो कि वो लोग तो खुदा की राह में शहीद हो गए उनके लिए तो यही लिखा है कि सैफों के नीचे भे यानी तलवारों के नीचे भयजत है फिर वसीम फरमाते हैं सहाबा की हालत देखो जब इम्तहान का वक्त आया तो जो कुछ किसी के पास था अल्लाह ताला की राह में दे दिया हजतदीक से अव्वल कंबल पहन कर अव, सदीक सबसे अव्वल कंबल पहनकर पहन कर आ गए फिर उस कंबल की जजा भी अल्लाह क्या दी यानी कि सब कुछ ले आया और सिर्फ़ एक कंबल ओढ़ लिया अपने ऊपर अल्लाह क्या जजा दी कि सबसे अव्वल खलीफा वही हुए गरज़ यह है कि असली खूबी खैर और रूहानी लजत से पैरावर होने के लिए वही माल काम आ सकता है गर्ज यह है असली खूबी यानी सबसे अव्वल काम करना फरमाया कि खैर और रूहानी लजत से पैरावर होने के लिए वही माल काम आ सकता है जो खुदा की राह में खर्च किया जाए इन बाकी ज़िक्र आइंदा الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بِالْعَدْلِ واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر